A news update sponsored by RS Academy, Second Floor, Ramagovan Palace, Sirmau Chauraha, Rewa. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। रीवा की बड़ी खबरें लेकर हाजिर हुए हैं। रीवा में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक दिवसीय नगरीय निकाय जनप्रतिनिधि प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जो शहर के वृंदावन गार्डन झिरिया में आयोजित हुआ। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिए आयोजित किया गया था, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान रीवा विधायक, सांसद, भाजपा जिलाध्यक्ष सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको सुनाते हैं भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने कार्यक्रम को लेकर क्या कहा। उपाध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इनके विधानसभा बार प्रशिक्षण संपन्न हुए। आज यह प्रशिक्षण हमारे नगरी निकाय के जनप्रतिनिधियों का है। इस प्रशिक्षण वर्ग के मामले में कहना चाहूंगा कि इसके दो भाग हैं। एक तो यहां से जो हमें विषय प्रवर्तकों के द्वारा भाषण के माध्यम से जो हमारे बीच में विषय रखे जाएंगे, आप लोगों के पास यह एक पैड है, इस पैड में सारा दिनक्रम दिया हुआ है। पहला सत्र हमारा भाजपा विचार कार्य पद्धति, हमारा समन्वय, ऐसे ही लोक व्यवहार, सोशल मीडिया, भाजपा सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, अंत्योदय से नगरोदय और बढ़ता भारत, बढ़ता मध्य प्रदेश, हमें इन विषयों पे हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं, हमारे आज के जो विषय प्रवर्तक हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। निश्चित तौर पर प्रशिक्षण वर्ग की सार्थकता सिद्ध तब होगी कि हम जब भी हमारे सत्र चलें, उन सत्रों में यहां से हमें जो भी बताया जाए, जो भी हमारे विषय प्रवर्तकों के द्वारा विषय रखा जाए, उसे हम पूरे मनोयोग के साथ सुनने का प्रयास करें। एक आग्रह और रहेगा कि हमको ये जो पैड मिला है, यह पैड सिर्फ हमारे। अगली खबर की बात करते हैं। रीवा के पनवार थाना की पुलिस ने पशुओं से भरे एक ट्रक को पकड़ा है। मुखबिर से मिली सूचना पर पनवार पुलिस ने मैलोखर गांव में पशुओं को ट्रक में भरकर यूपी ले जाने की उनको सूचना मिली थी, जिसके बाद पनवार पुलिस ने थाने में बैरिकेडिंग कर ट्रक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए, जिसके बाद कई किलोमीटर तक पुलिस ने ट्रक का पीछा कर बरौली गांव के पास पशुओं से भरे ट्रक को पकड़ा है। थाना प्रभारी पनवार महेंद्र सिंह ने पशु तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है। वहीं ट्रक में पशुओं की संख्या कितनी थी, यह फिलहाल अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस कार्रवाई में लगी हुई है। सर, ये बताइए, बीती रात को जो आवारा पशुओं से भरा ट्रक मिला, इस बारे में जानकारी दीजिए। हाँ, हमको मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक UP 66 F 98 87 नाम का एक DCM ट्रक से हरदोली तरफ से पशुओं को लोड कर उस ट्रक में और काटने हेतु इलाहाबाद तरफ ले जा रहे हैं। जो मुखबिर की सूचना पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए स्टाफ मौके पर गया, जो जिरंगुआ तरफ चेकिंग पॉइंट लगा, वहाँ से ये ट्रक स्पीड से जाते हुए रोका नहीं और फिर लोकल जवा स्टाफ और कुछ लोगों के स्थानीय लोगों की मदद से उस ट्रक को पकड़ा गया। ट्रक में दो लोग बैठे हुए थे, ड्राइवर एक अन्य, जो पुलिस को देख के और भाग गए हैं। और उसमें जब तस्दीक की गई तो उसमें 18 बैल पाए गए। सर, इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है? इसमें पशु क्रूरता के अधिनियम और गोवंश के संबंधित FIR की जा रही है।